Hello everyone, welcome you all. Today I am going to teach you describing words. Describing words are also known as adjectives. A describing word tells us something more about a naming word. Naming word means name of a person, place, animal or thing. तो describing words naming words के बारे में extra information देते हैं, ज़्यादा जानकारी देते हैं. For example, red car. Red. यह word car की विशेषता बता रहा है, उसका वर्णन कर रहा है. इसीलिए red describing word है. See grapes. The grapes are sweet. एक सेंटेंस में कह रही हूँ, द ग्रेप्स आर स्वीट. ग्रेप्स कैसे हैं? स्वीट हैं. स्वीट यह वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. किसके बारे में? ग्रेप्स के बारे में. सो द वर्ड स्वीट डिस्क्राइब्स ग्रेप्स. दैट्स व्हाई स्वीट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ग्रेप्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यह भी कह सकते हैं, ग्रेप्स आर ग्रीन, grapes are juicy, grapes are round. तो juicy, green, round यह words grapes को describe करते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं. इसीलिए यह describing words है. Describing words को adjectives कहते हैं. इस प्रकार आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो. आप सबके पास टॉयज हैं, उसमें से कोई भी एक टॉय लेकर उसे डिस्क्राइब करो. आई विल शो यू हाउ टू डिस्क्राइब. सी, वाओ, मेनी टॉयज आर हियर. आई नो यू लाइक टू प्ले विथ टॉयज. लेट्स डिस्क्राइब वन टॉय, दैट इज डॉल. डॉल को हम कहेंगे ब्यूटीफुल डॉल, सुंदर डॉल, या फिर टाइनी डॉल, प्लेफुल डॉल. टाइनी मीन्स छोटी, छोटी सी डॉल. प्लेफुल डॉल, प्लेफुल मतलब जिसके साथ हम खेल सकते हैं, खेलने लायक. तो ब्यूटीफुल डॉल, टाइनी डॉल, प्लेफुल डॉल या फिर फैंसी डॉल. जो वर्ड्स हमने डॉल के लिए यूज़ किए, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए? ब्यूटीफुल, टाइनी, प्लेफुल और फैंसी. यह डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, राइट? इस तरह आप अपने फेवरेट टॉय को डिस्क्राइब कर सकते हो. लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. Read these sentences. She is an old woman. वह एक बुजुर्ग औरत है. Old woman मतलब बुजुर्ग औरत. He is a short man. Short means जिसकी लंबाई कम हो, ऐसा आदमी. It is a huge building. वह एक बड़ी बिल्डिंग है. This is a yellow skirt. यह पीला स्कर्ट है. Old, short, huge and yellow are describing words. Describing words tell us more about a person, place or a thing. They can be placed before the naming word or at the end of the sentence. Describing words किसी भी व्यक्ति, जगह या फिर कोई भी चीज के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वाक्य में नेमिंग वर्ड्स के पहले आते हैं या फिर वाक्य के अंत में आते हैं. द कैट इज फ्लफी. फ्लफी मीन्स सॉफ्ट. बिल्ली बहुत सॉफ्ट है. हियर फ्लफी इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट इज रिटन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सी क्वेश्चन ए,
सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जो करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड है वह उसे हमें सर्कल करना है. इट इज अ सनी और ब्लैक डे. अब देखो ब्लैक डे नहीं हो सकता है तो सनी यह करेक्ट है. इट इज अ सनी डे. जिस दिन बहुत धूप होती है उसे कहते हैं सनी डे. इट इज अ शार्प और वार्म नाइफ. सो विच इज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. शार्प. शार्प नाइफ. शार्प मतलब तेज. द बर्ड हैज ब्यूटिफुल विंग्स. हैप्पी विंग्स नहीं हो सकते. हैप्पी यह एक फीलिंग है. हैप्पी सैड ये फीलिंग्स हैं. तो उसके विंग्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल है, सुंदर है, इसीलिए सर्कल ब्यूटीफुल को सर्कल करना है. नंबर फोर. रीता हर्ड अ स्वीट और टॉल सॉन्ग. टॉल सॉन्ग इज इनकरेक्ट. स्वीट सॉन्ग इज करेक्ट. रीता हर्ड अ स्वीट सॉन्ग. मधुर गाना. ही सैट ऑन द ब्राउन और इजी मैट. इजी मैट नहीं हो सकती है इसीलिए ब्राउन मैट. सर्कल द वर्ड ब्राउन. राजा इज वेयरिंग सैड और मडी शूज. करेक्ट इज मडी शूज. मडी मतलब मिट्टी वाले, जिसे मिट्टी लगी हो ऐसे. द राउंड और रेक्टेंगुलर मून इज शाइनिंग इन द स्काई. रेक्टेंगुलर मून कभी देखा है? नहीं. राउंड मून होता है. सो राउंड इज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. सर्कल इट. वी हैव 5 or 10 फिंगर्स ऑन ईच हैंड. हमारे एक हाथ में कितने फिंगर्स होते हैं? एक हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं, इसीलिए वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड. सर्कल द वर्ड 5. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. सी स्टूडेंट्स, सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स. सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड एंड पुट इट इन द ब्लैंक. दिस इज अ सॉफ्ट फैदर. वन हैज बीन डन. दिस इज अ सॉफ्ट फैदर. सेकेंड इज अ ब्लैंक वाटरमेलन इज ऑन द टेबल. वाटरमेलन कैसा होता है? वाटरमेलन के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढना है. वाटरमेलन राउंड होता है, गोल होता है, इसीलिए राउंड वाटरमेलन इज ऑन द टेबल. द टाइनी बग क्रॉल्स अप द वॉल. बग मतलब कीड़ा. टाइनी मीन्स बहुत छोटा कीड़ा. तो कीड़े के लिए टाइनी ये वर्ड सही है, इसीलिए यहां टाइनी लिखा है. द डीप वेल इज ड्राई. वेल कैसी है? डीप है. डीप मतलब गहरी. दैट ट्री इज फुल ऑफ येलो मैंगोज. मैंगोज येलो कलर के हैं, पीले हैं. सो इन फिफ्थ ब्लैंक राइट द वर्ड येलो. द बोट क्रॉसेस द वाइड रिवर. How is the river? It is wide. You can see here. Wide मतलब चौड़ी, चौड़ी नदी. Salma has short hair. Short means छोटे. Salma के hair छोटे हैं. Ice creams are cold and tasty. Ice creams ठंडे और स्वादिष्ट हैं. Read this story. Underline all the words that describe shape and size. Circle the words that describe color. जो words
शेप और साइज दर्शाते हैं उन्हें अंडरलाइन करना है, और जो वर्ड्स कलर दर्शाते हैं उन्हें सर्कल करना है। सी दिस स्टोरी। राहुल टेक सम फ्लैट ग्रीन सीड्स फ्रॉम मदर। ही प्लांट्स द स्मॉल पम्पकिन सीड्स इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन। राहुल ने कुछ समतल सीड्स मम्मी से ली। समतल मतलब चपटी, फ्लैट। उसने कद्दू की सीड्स उसके दादाजी के गार्डन में लगा दी। अब इसमें फ्लैट और स्मॉल ये दो वर्ड्स शेप और साइज दर्शाते हैं, उन्हें अंडरलाइन करो। ग्रीन, ग्रीन यह कलर है, सबको पता है ग्रीन इज अ कलर, सो सर्कल द वर्ड ग्रीन। ही वॉटर्स इट एवरी डे विथ अ रेड प्लास्टिक कैन विच हैज अ लॉन्ग स्पाउट। वह सीड्स को हर रोज पानी डालता है, उसके लिए वह लाल रंग की प्लास्टिक कैन यूज करता है जिसे लंबी टोटी है। स्पाउट मीन्स बॉटल नेक, टोटी। हियर रेड इज द कलर सो सर्कल इट, लॉन्ग इज साइज, अंडरलाइन द वर्ड लॉन्ग। आफ्टर अ फ्यू डेज राहुल सीज टाइनी ग्रीन शूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द सॉइल। कुछ दिन बाद राहुल ने छोटी ग्रीन टहनी को बाहर आते हुए देखा। टाइनी मीन्स बहुत छोटी, अंडरलाइन इट। ग्रीन हरा रंग, इट्स अ कलर सो सर्कल इट। ही इज वेरी हैप्पी। ही वॉटर्स इट मोर एंड वेट्स फॉर द प्लांट टू ग्रो। वह खुश होता है और प्लांट को ज्यादा पानी देकर उसके बड़े होने की राह देखता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स देर आर लिटिल ग्रीन लीव्स एंड अ प्लांट स्टार्ट्स टू स्प्रेड ओवर द स्क्वेयर गार्डन पैच। सुन राहुल सीज टाइनी राउंड ऑरेंज पम्पकिंस। यू हैव टू अंडरलाइन फोर वर्ड्स, लिटिल, स्क्वेयर, टाइनी एंड राउंड। देखो स्क्वेयर और राउंड यह वर्ड्स शेप दर्शाते हैं, लिटिल और टाइनी ये दो वर्ड्स साइज दर्शाते हैं। नाउ विच वर्ड्स आर शोइंग कलर्स, ग्रीन एंड ऑरेंज, सर्कल दीज वर्ड्स। कुछ हफ्तों बाद प्लांट को ज्यादा ग्रीन लीव्स आए और वह स्प्रेड हुआ बढ़ गया। जल्द ही उस पर छोटे ऑरेंज कलर के कद्दू आए। आफ्टर सम मोर टाइम राहुल एंड हिज ग्रैंडफादर प्लक ऑल द बिग ऑरेंज पम्पकिंस एंड कैरी देम इनटू द हाउस। कुछ दिनों बाद राहुल और उसके दादाजी ने बड़े और ऑरेंज पम्पकिन को तोड़कर घर में रख दिए। राहुल इज हैप्पी दैट ही हैज ग्रोन हिज फर्स्ट वेजिटेबल। राहुल बहुत खुश है क्योंकि उसने पहली पम्पकिन की सब्जी उगाई है। इन दिस पैराग्राफ अंडरलाइन द वर्ड बिग एंड सर्कल द वर्ड ऑरेंज। डी क्वेश्चन, रीराइट दिस सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स एज क्लूज। सेंटेंस में जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है उसका अपोजिट वर्ड लेकर उस सेंटेंस को फिर से लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर शर्मा लिव्स ऑन अ लार्ज आइलैंड। लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा। विच इज द अपोजिट वर्ड ऑफ लार्ज, स्मॉल। सो मिस्टर शर्मा लिव्स ऑन अ स्मॉल आइलैंड। द क्वेश्चन पेपर वॉज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब कठिन, मुश्किल।
डिफिकल्ट का अपोजिट वर्ड है इजी. द क्वेश्चन पेपर वॉज इजी. थर्ड, मुनीरा ड्रिंक्स हॉट मिल्क एवरी मॉर्निंग. हॉट मीन्स गरम. विच इज द अपोजिट वर्ड ऑफ हॉट? कोल्ड. मुनीरा ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क एवरी मॉर्निंग. नेक्स्ट, द मैन वॉक्स वेरी स्लोली. स्लोली मीन्स धीरे. इट्स अपोजिट वर्ड इज फास्ट. द मैन वॉक्स वेरी फास्ट. फास्ट मतलब तेज, तेज चलना. अनु लिव्स ऑन द वाइड रोड नियर द पार्क. वाइड मतलब चौड़ा. अपोजिट ऑफ वाइड इज नैरो. अनु लिव्स ऑन द नैरो रोड नियर द पार्क. द ड्राई क्लोथ्स वर प्लेस इन द सन. ड्राई मीन्स सूखे और वेट मीन्स गीले. इंस्टेड ऑफ ड्राई वी रोट हियर वेट. द वेट क्लोथ्स वेयर प्लेस इन द सन. उमेश इज अ टॉल बॉय. टॉल मतलब लंबा, हाइटेड. अपोजिट ऑफ टॉल इज शॉर्ट. उमेश इज अ शॉर्ट बॉय. द ऑरेंज टेस्टेड क्वाइट स्वीट. क्वाइट स्वीट मतलब, स्वीट मतलब कुछ मीठा. स्वीट का अपोजिट है सॉर. द ऑरेंज टेस्टेड क्वाइट सॉर. सॉर मीन्स खट्टा. ग्रामर एक्टिविटी. राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट थिंग इन द येलो बॉक्स. इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, टॉय और थिंग. देन राइट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द अदर बॉक्सेस टू डिस्क्राइब योर फेवरेट थिंग. जो भी आपकी फेवरेट थिंग है या फिर टॉय है उसका नाम आपको येलो बॉक्स में लिखना है और उसे डिस्क्राइब करना है. उसे डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे. तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये जो फोर बॉक्स दिए हैं उसमें लिखना है. यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपका फेवरेट टॉय कार है तो आप टॉय कार येलो बॉक्स में लिखोगे और टॉय कार का कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो चलती कैसी है, इसके बारे में एक एक वर्ड ये साइड के बॉक्स में आपको लिखना है. ओके, गुड बाय, टेक केयर.